हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ा है कि मैं लहंगा संभालूं या फिर डांस करूं, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनको लहंगा वेयर करना पड़ता है तो वो डांस स्टेप करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे वो बोलती है कि मैं घाघरे में कैसे डांस करूंगी, तो वो क्या करती है, हल्की फुल्की हाथ के स्टेप दे देती है या फिर तालियां बजाती है ऐसे, या फिर ऐसे 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 करती है, क्योंकि घाघरा उनके पाँव में अटकता है, चलने में ही प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो डांस कैसे करेगी। तो मैं आज उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करने वाली हूँ। मैं इसके ऊपर कुछ स्टेप बताने वाली हूँ जो आप इजीली घर में प्रैक्टिस कर सकती हैं। आपको अपने घाघरे को, जिसे हम लोग लहंगा भी बोलते हैं, एकदम हल्के से उठाना है। फिंगर्स को ऐसे, या फिर टू फिंगर्स आप यूज कर सकती हैं या फिर वन फिंगर, ऐसे सिंपल थोड़ा सा आगे से उठाना है, पीछे चाहे वो लटकता रहे, आगे से थोड़ा ऐसे उठाना है। उसमें अपने लोग फर्स्ट नंबर स्टेप देखेंगे, ऐसे लेग स्टेप बता रही हूँ, 1 2। अपने लोग की लेग एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, वैसे ही लेफ्ट से भी कर सकते हैं, 1 2। जिनका लेफ्ट चलता हो लेफ्ट, जिनका राइट चलता हो राइट, 1। इसी को लेके अपने लोग 4 साइड में घूम लेंगे। हैंड्स के स्टेप कैसे देंगे, अपने लोग को लहंगे को सिर्फ ऐसे सिंपल, दो फिंगर से भी टच कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे सिंपल, 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैंने एक ही लेग स्टेप यूज किया, 1 और 2। इसमें आप ऐसे करके आगे भी जा सकते हैं, ऐसे सिंपल एकदम लहंगे को थोड़ा सा ऊंचा करना है और लहंगे को 1 2 1 2। इसमें अपने लोग दूसरी सेकेंड नंबर स्टेप देखते हैं। इसमें अपने लोग ऐसे ऐसे करके घूम भी सकते हैं, सिर्फ सिंपल लहंगे को मैंने 1 2 ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 1 2 1 2। इसमें ये स्टेप करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सब स्टेप आप कोई भी म्यूजिक पे कर सकते हैं, कीर्तन में, भजन में, डांस पार्टीज में, सिंपल ऐसे ऐसे करके आप एकदम तेजी से भी चल पाएंगे, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 ऐसे करके 4 साइड में घूम लेंगे या फिर आगे आगे जाके कर लेंगे। इसमें मैंने 2 स्टेप आपको बताई, अब इसमें 3rd नंबर स्टेप, आप अपने लेग को 1 2, लहंगे को क्या करना, 1 2, फिर एक राउंड, वैसे सेम 1 2, फिर एक राउंड। इसमें आप ये स्टेप भी देख सकती हैं। अब इसमें मैं आपको 3rd स्टेप बताऊंगी, सिंपल हैंड्स को ऐसे करके 1, लहंगे को 1 2, फिर एक राउंड, सेम ऐसे ही 1 2, फिर एक राउंड, या क्यों 4th स्टेप। इसमें मैं आपको 5th स्टेप दिखाऊंगी, आपको लहंगे को साइड से, जो अपने लोग की जॉइंट रहती है इसमें लहंगे में, किसी किसी के में जॉइंट नहीं रहती है, सिर्फ सिंपल मिडल से आपको ऐसे उठाना है, सिंपल देखिए ये लेग मेरा दिख रहा, सिंपल आपको यहां से यहां टक करना, फिर आप कोई भी स्टेप करिए, एक हैंड आपका खाली है, इस हैंड से आप कुछ भी स्टेप करिए, एक हैंड से आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और इससे कोई भी ठुमके वगैरह जो भी आप देना चाहती हैं, जैसे 1 2 1, एक हैंड आपका फ्री है, एक हैंड से आप इसको पकड़ लेंगे तो इस तरफ जो लटकता रहता है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसे मैंने उठाया, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर दोनों साइड से भी उठा सकते हैं, ऐसे उठा के कुछ भी, फिर वापस इस हैंड, ये हैंड आपका थक जाए तो आप ये हैंड इस हैंड से उठा लीजिए, ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकती हैं, या फिर ऐसे, आपकी लेग में ये आएगा नहीं, आपके अटकेगा नहीं अगर आप एक हैंड से उठा लेंगे एक साइड से, पर आपको ध्यान रखना है आपको ऐसे बीच से कहीं से भी उठाएंगी तो सुंदर नहीं लगेगा, मिडल से आपको उठाना, उठा के आप कोई भी स्टेप एक हैंड से कर सकती है, अगर दोनों हैंड से आपको ठुमका देना तो फिर दे सकती है। दोनों हैंड से करने के लिए, पर आप अपने घाघरे को एकदम एकदम सुंदर से पकड़िएगा, ये नहीं कि ऐसे पकड़ ली और फिर आप ऐसे 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 करके डांस करिए, एकदम सुंदर से ऐसे एकदम हल्के से पकड़ के
आपको स्टेप करनी है। फिर इसमें नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे ऐसे करके स्टाइल दिखाते हुए घूम भी सकती हैं। ये आपका फिफ्थ नंबर स्टेप हुआ, ऐसे ऐसे करके स्टाइल से एकदम, मतलब ये घाघरे को ऐसे। ये थी मेरी स्टेप्स, आप इनको देखिए। आपको उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।